यार आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस, मैं हूँ आपके साथ गुस्सा। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की ताजपोशी हो रही है। और अब से कुछ ही देर में भूपेश बघेल मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपेंगे। नवनियुक्त अध्यक्ष कुंडा गांव के विधायक आदरणीय मोहन मरकाम जी के पदभार ग्रहण के इस कार्यक्रम पर आप सभी उपस्थित छत्तीसगढ़ के समस्त कांग्रेसजन पदाधिकारीगण, विभिन्न मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ के साथीगण, माननीय मंत्रीगण, सभी का छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज ये पदभार ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में उद्बोधन के लिए मैं पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और हम सबके वरिष्ठ आदरणीय सत्तू भैया से निवेदन करता हूं आज के इस पदभार ग्रहण कार्यक्रम में प्रथम उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री एवं बोले भारत माता की, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, पीएम पुनिया जिंदाबाद, मोहन मरकाम जिंदाबाद। आज का दिन हम सब कांग्रेस जनों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन, और आज विशेष रूप से हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय पी एल पुनिया जी, आदरणीय डॉक्टर चरणदास खान जी, आदरणीय धनेन्द्र भैया, आदरणीय सत्तू भैया, आदरणीय बोधराम कंवर जी, आदरणीय हमारे प्रभारी सचिव द्वय अरुण राव जी, चंदन यादव जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, कवासी लखमा जी, मोहम्मद अकबर जी, जय सिंह अग्रवाल जी, डॉक्टर श्री धैर्या जी, साया वर्मा जी, अरुण भाई, गुरु सिंह भोला जी, आदरणीय अमरजीत जी, आदरणीय रमेश भैया, आदरणीय हमारे खजांची अग्रवाल जी, सभी उपस्थित आदरणीय नीला भेड़िया जी, आदरणीय गुरु जी और उपस्थित हमारे सभी विधायकगण, प्रदेश कांग्रेस समिति के सभी उपाध्यक्ष, महामंत्री और सभी पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी के सदस्यगण, जिलाध्यक्षगण, युवक कांग्रेस सीवाई महिला कांग्रेस सेवा दल के सभी पत्रकार साथियों, उपस्थित सभी साथीगण, पत्रकार साथियों, एक नाम लेना मैं जानबूझ के छोड़ दिया था, जिसको आज राहुल जी ने नई जिम्मेदारी दी, भाई मोहन मरकाम जी, जो जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। भाई मोहन मरकाम कोंडा गांव से विधायक हैं, बहुत ही सहज सरल मिलनसार और बहुत मेहनती संघर्षशील व्यक्ति हैं। आज से
साढ़े पांच साल पहले जब ये जिम्मेदारी राहुल जी ने मुझे दी थी, वो समय था जब 2013 का चुनाव हम हार चुके थे, 2014 के लोकसभा चुनाव सामने था। उस समय ये जिम्मेदारी दी गई, बहुत सारे साथियों के मन में अनेकानेक प्रश्न थे कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य किस प्रकार से होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद कांग्रेस के साथियों ने जो संघर्ष का रास्ता अपनाया और 1 जून 2014 से जो लड़ाई हमने शुरू की वो तब तक के जारी रहा जब तक के हमने सत्ता परिवर्तन नहीं कर लिया। इस दौरान अनेक घटनाएं घटी जिसमें नसबंदी का कांड हुआ, जिसमें पूरे देश और दुनिया का ध्यान खींचा, अनेक आंदोलन हम लोगों ने किया, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो मजदूरों के लिए हो, चाहे आदिवासियों के लिए हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए हो, चाहे नौजवान और युवा पीढ़ी के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो। कांग्रेस के साथियों ने खूब संघर्ष किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी यहाँ के बारे में लगातार मॉनिटरिंग करते रहते थे, हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहे और महामंत्री के रूप में पहले बीकेवी प्रसाद जी का साथ और सानिध्य मिला, मार्गदर्शन मिला। बाद में उनके साथ साथ जो प्रभारी सचिव थे हमारे पड़ोस के ही भक्त चरणदास जी और उसके बाद आदरणीय पुनिया जी के साथ साथ अरुण उराव जी और चंदन यादव जी की भी नियुक्ति यहाँ हुई और उनके कुशल मार्गदर्शन में, पुनिया जी के कुशल मार्गदर्शन में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जो असंभव था उसे संभव कर दिखाया। इसमें उनके राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव का लाभ हम सबको मिला है। इस अवसर पर आदरणीय पुनिया जी का धन्यवाद करता हूँ। आज हम लोग जहाँ पहुँचे उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। आदरणीय अरुण राव जी और चंदन यादव जी, इनका भी लगातार छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाकर कांग्रेस जनों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। साथ ही जो कांग्रेस जन जो हमारे गांव में, शहरों के मोहल्लों में जो निवास करते हैं, वहां लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले हमारे कांग्रेस के साथी जो संघर्ष के साक्षी रहे हैं, कितने ही धाराएं उन पे लगी, कितने लाठियां उनके पीठ पे बसी, सर फोड़े गए, हाथ पैर तोड़े गए, अपराधी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मोहन मरकाम जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने को दी जा रही है और जिसके चलते भूपेश बघेल उसी संदर्भ में मंच से संबोधित कर रहे हैं। और मोहन मरकाम को ही क्यों प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने को दी जा रही है, उसके पीछे क्या कारण है, ये सभी तमाम बातें भूपेश बघेल मंच के माध्यम से कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में
कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, मीडिया कर्मी मौजूद हैं। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बतौर जिस नाम को लेकर चर्चाएं चल रही थी, आखिरकार मोहन मरकाम यही वो नाम है जिस पर मोहर लगाई गई है। चलिए अब देखेंगे खबरें खटखट अंदाज।